अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सब, मतलब सभी खैर से होंगे। सर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपके साथ एक पॉलीगोन मेटिक की अर्निंग की वेबसाइट शेयर करने जा रहा हूं। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। ये तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो कांडली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लाजमी से ऑन कर दें, और अगर आप ये हमारा जो है वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज को भी फॉलो कर दीजिए, जैसे आप कोई भी जो है अर्निंग से रिलेटेड वेबसाइट या वीडियो मिस ना कर पाएँ, और हम यूट्यूब से रिलेटेड बताते थे वो भी मिस ना कर पाएँ। तो वेबसाइट का तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, पर मैंने पहले आपको पॉलीगोन मेटिक का कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोसेट पे का ही मैंने वॉलेट यहाँ पर ओपन किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने जो है पॉलीगोन मेटिक और रिपल XRP ये दोनों ऐड किए हैं न्यू कॉइन फोसेट पे में। तो पॉलीगोन मेटिक मैंने यहाँ पे कुछ अर्न भी किया है, आप सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,50,000 मतलब 1.5 लाख सतोशीज जो है मेरे पास यहाँ पर अर्न की हुई है पहले से ही, ठीक है। तो ये मैंने कैसे अर्न की वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है वेबसाइट का, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके के इंटरफेस पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपने जो है अपनी फोसेट पे जिस ईमेल पे आपका बना हुआ है तो वो ईमेल एड्रेस आपने सिंपली दे देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ईमेल अपनी टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे चेक लगाना है। अगर आपका फोसेट पे का अकाउंट नहीं बना हुआ तो मैं कोई मसले की बात नहीं, मैं स्क्रीन पर दे दूँगा वीडियो के किस तरीके से फोसेट पे का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे आपने स्टार माइनर, यहाँ पर स्टार लिखा हुआ होना चाहिए था पर यहाँ पर स्टार माइनर इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास लॉग इन सक्सेस है, ठीक है। यहाँ पर एक किस्म की माइनिंग होती है पर आपको जो है टेक करनी पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनर बैलेंस और नेक्स्ट रिवार्ड अभी 0-0 दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि दो दफ़ा ये रिवार्ड हमें मिलेगा तो वो हमें यहाँ पे स्टेक वाले बटन के थ्रू गेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये नेक्स्ट रिवार्ड वाला टाइम ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे टेक कर लेता हूँ, मैं पहले वेट कर लेता हूँ इसमें अनरेस्पॉन्स पे, हाँ। तो मैं यहाँ पर टेक वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही क्लिक करूँगा तो इस तरीके का कैप्चा आ जाएगा, इसको मैंने सॉल्व कर देना, सॉरी यहाँ पे एड्स आते रहते हैं। तो आई एम नॉट रोबोट पे मैं क्लिक कर लूँगा और उसके बाद मैं क्लेम पे क्लिक कर लूँगा। यहाँ पर जो है माइनर बैलेंस हैज़ बीन मूव टू योर अकाउंट बैलेंस, तो ओके पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर जो मेरा माइनर का बैलेंस था वो मेरे अकाउंट के बैलेंस में आ चुका है, और यहाँ पर जो है नेक्स्ट रिवार्ड मुझे अभी यहाँ पर सेकेंड स्टार्ट हो जाएंगे, आप देखेंगे तो 59 से ये स्टार्ट होगा और हर एक मिनट में यहाँ पर जो है मेरे मेन बैलेंस माइनर बैलेंस में आ जाएगा रिवार्ड, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये दो बार आएगा उसके बाद ये रुक जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना होगा कि यहाँ से टेक कर बटन को क्लिक करके और अपने अकाउंट बैलेंस में वो जो अपना पावर है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पर वेट कर लेते हैं जैसे यहाँ पर ये रिवार्ड स्टार्ट हो जाए और मैं आपको बताऊँ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मेरा टाइमर स्टार्ट हो चुका है और ये सेकेंड्स गुजरने के बाद यहाँ पर जो है मेरे माइनर बैलेंस में कुछ बैलेंस आ जाएगा, उसके बाद दूसरी दफ़ा ये टाइमर स्टार्ट होगा, मतलब 2 मिनट में यहाँ पे दो बार मेरे पास बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने टेक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और मैंने पहले पहले आपको ये बताया नहीं था कि यहाँ पे माइनिंग वाले प्लान पे आपके शुरू में माइनिंग होगी नहीं स्टार्ट, ठीक है। आपने आना है और ये माइनिंग वाला जो बटन है होगा इसको आपने क्लिक करके और एक्टिव माइनर पर क्लिक कर देना होगा, ये लाजमी करना होगा ताकि आप जैसे ही आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद अगर हम विथड्रा की बात करें तो मैं यहाँ पर विथड्रा वाले पेज पर अपने पे आ जाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर जो है मिनिमम विदड्रा है इसका 0.0001 USD, ठीक है, और यहाँ पर अभी जो मेरे पास है 0.0021 USD है मेरे पास मेरे बैलेंस में, तो मेरा मतलब मिनिमम थ्रेशोल्ड हो पूरा है। तो यहाँ पर मैं अमाउंट यहाँ पे लिखूँगा 0.0021, ठीक है। उसके बाद करेंसी सेलेक्ट करूँगा और मेटिक वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं विदड्रा वाले बटन पर क्लिक करूँगा। मे भी ये एक दो दफ़ा ना दे क्योंकि यहाँ पर कुछ इशू होते हैं, तो आपने 3-4 मरतबा ट्राई करना होगा तो ये विथड्रा आपको दे देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करके फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एग्जिट लिख रहा था 0.0021 लिख रहा था तो ये नहीं हो रहा था, 0.0002 मैंने जैसे ही लिखा तो अभी आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 13,423 जो है सतोशीज मेरे पास मेटिक कॉइन की आ चुकी है पॉलीमेटिक की, मैं ओके पे क्लिक करूँगा और अभी आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस जो है 0.401 पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने 1 को स्किप कर दिया था, उसके बाद मेरे पास विदड्रा आ चुका था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1.5 लाख अभी सतोशीज मौजूद हैं, और टुडे के रिसीव करें तो हमें अभी कोई कुछ रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, कॉइन्स कलेक्ट कुछ हुए नहीं। तो मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास पॉलीगोन मेटिक के ये सतोशीज रिसीव हुई हैं या नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टुडे के पे आउट में 1 रिसीव हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर जो है पॉलीगोन मेटिक की
13422 जो है वहाँ पे 23 थी, तो एक सतोशी कम हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की डेट पे मुझे ये रिसीव हो चुकी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लाजमी से ऑन कर दें ताकि आप कोई भी अर्निंग से रिलेटेड वेबसाइट मिस ना कर पाएँ। अल्लाह हाफिज़।